सूजी का हलवा किसे पसंद नहीं है, वो भी इतना अच्छा खिला खिला दानेदार हो तो क्या बात है। तो चलिए आज हम एकदम ट्रेडिशनल सूजी का हलवा सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं देखते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए सुचिताज कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट रेसिपीज की जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है, 1 कप सूजी के लिए 2 कप दूध सफिशियंट है। जब तक दूध उबलता है तब तक हम दूसरे गैस पर सूजी को भून लेते हैं। सूजी को हमें पहले ऐसे ही भूनना है, इसमें घी नहीं डालना है। इससे क्या हो जाता है कि सूजी जो है वो थोड़ी थोड़ी फूलने लगती है और जब हम इसमें घी डालते हैं तब घी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये अब्जॉर्ब करने लगती है और ऐसे करने से सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार ऐसे ही भूनने वाली हूँ। इस रेसिपी के लिए लगने वाली सामग्री जो है वो मैंने वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये देखिए सूजी थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगी है, इसे मैंने लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक ऐसे ही भून लिया है। तो अब मैं इसमें घी डालने वाली हूँ। थोड़ा सा घी जो है वो बचा के रखना है ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के लिए। अब हम इसे घी में भूनने वाले हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि सूजी जो है वो बहुत ही अच्छे से भून जाती है और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती कहीं से भी, और हमारा सूजी का हलवा जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है और दानेदार बनता है। तो अब हम इसे लगातार इसी तरीके से इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक या इससे भीनी भीनी खुशबू आने तक इसे भूनने वाले हैं, नहीं तो इसे हम कंटिन्यूसली 4 से 5 मिनट तक भून सकते हैं। और गैस की फ्लेम को जो है वो मीडियम रखना है, नहीं तो सूजी नीचे से जलने लगेगी। तो टोटल सूजी भूनने के लिए हमें 10 मिनट लगे हैं। पहले ड्राई सूजी भूनने के लिए 5 मिनट और उसके बाद घी में सूजी भूनने के लिए 5 मिनट। तो टोटल हमें सूजी भूनने के लिए 10 मिनट लगे हैं। ये देखिए इसे मैंने जस्ट 4 से 5 मिनट तक ही भूना है तो इसका कलर ऐसा हो गया है। तो सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें गर्मा गर्म दूध ऐड करने वाले हैं। तो हम दूध को देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है। तो ऐसा ही अब दूध हम सूजी में डालने वाले हैं। अब इसे लगातार चलाते रहना है। सूजी जो है वो बहुत ही जल्दी से दूध को अब्जॉर्ब करने लगती है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सूजी ने दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर और चीनी डाल के हम फिर से इसे चीनी को मेल्ट होने तक इसी तरीके से चलाते रहने वाले हैं। और ध्यान रखें कि जब हम इसमें गर्मा गर्म दूध ऐड करते हैं तब थोड़ा सा दूर रहकर ही इसमें दूध डालें, नहीं तो छींटे हमारे ऊपर आ सकती है क्योंकि सूजी जो है वो भी गर्म होती है और दूध भी गर्म होता है। तो अब चीनी जो है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और उसके बाद इसका रिजल्ट जो है वो ये देखिए एकदम खिला खिला और टेस्टी सूजी का हलवा बनके तैयार हो जाता है। लेकिन इसकी प्रोसेस अभी भी बाकी है। तो अब हम तड़का पैन में बचा हुआ घी डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए इसमें बादाम और काजू डाल दें और इसे थोड़ा सा क्रंची कर लेते हैं हम। और बस अब गैस को बंद कर देते हैं और इसमें किशमिश ऐड कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है किशमिश बिल्कुल भी जलती नहीं और एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो बस अब ये तैयार है। अब हम इसे इस तरीके से गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए सभी को पसंद आने वाला एकदम टेस्टी सूजी का हलवा। और इसे अब इस तरीके से सर्व कर दें, एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल और सुपर टेस्टी सूजी का हलवा जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो एंजॉय कीजिए टेस्टी सूजी का हलवा। ऐसा हलवा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
तो मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।